हैं तो मेजर अनाउंसमेंट उनकी तरफ से क्या होंगे? जैसे कि पहला ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 7% और अबव रहेगा इस आने वाले साल में। और दूसरी चीज, हमारा इंडिया अब इस दैट टाइम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और जैसा कि सबसे मेजर चीज देखी गई थी, अभी हम कोरोना महामारी से निकल के आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो अपना टूरिज्म का बिजनेस था, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ इससे। अब उसके लिए इन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं टूरिज्म बिजनेस से, जैसा कि ये कह रहे हैं कि रोजगार जो अपना आना है वो टूरिज्म बिजनेस में सबसे ज्यादा आना है। और मेन फोकस इस बजट में अपना ग्रीन चीजों पे किया गया, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है और अपना ग्रीनरी सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, और जिससे कि हमारा इन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड उनका हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। और बाकी कुछ इनकम टैक्स के बारे में भी जानकारी है जो मेरे साथ गौरव गोयल और पंकज बिंदल। जैसे कि धीरज जी गर्ग जी ने बताया कि ये बजट जो है हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड और आपका टूरिज्म से रिलेटेड रहा है। इसमें जो टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया हुआ है। इसी के साथ साथ मैं अगर आपसे फाइनेंस की बात करूं तो इस बजट में इनकम टैक्स में बहुत अच्छी छूट एक आम आदमी को दी गई है। अगर आप देखें तो जो पहले हमारा इनकम टैक्स हुआ करता था तो 2.5 लाख तक की उसमें छूट हुआ करती थी, जो इस बार बढ़ा के 3 लाख रुपए की कर दी है। जो 3 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और बात करें कि पहले 7 लाख तक हमारा 54,600 रुपये का टैक्स हमारा जाता था, तो रिबेट करके वो भी आज अब हमारा 54,600 की रिबेट हो गई। अब हमारा कोई भी टैक्स उसमें नहीं रहेगा 7 लाख तक। पहले जो हमारी 10 लाख तक का टैक्स होता था वो 1,17,000 रुपये का हमारा टैक्स होता था 10 लाख तक की इनकम पे, जो अब सिर्फ 62,400 रुपये हमारा रह गया है। और 10 लाख की इनकम पे हमारा 2,83,400 रुपये का टैक्स जाता था, जो हमारा 1,56,000 रुपये रह गया है। आप सीधे सीधे देखें तो 1,27,400 रुपये का आदमी जिसकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए तक है, सीधे सीधे 1,25,000 रुपए का उसको बचता है। अगर ये पैसा बच के वो बंदा जब अपने आगे एक्सपेंड करेगा, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि एक बजट है, आम आदमी का बजट है, एक देश को तरक्की देने वाला बजट है। बाकी हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा गौरव जी से जानेंगे इस बजट के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी गौरव गोयल है। जैसे पंकज जी ने बताया, आज 1 फरवरी को हर साल हमारा बजट आता है। आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने आज एक अच्छा बजट पेश किया है। इसमें बात करें तो लो सैलरी क्लास, जो लो आयकर लोग हैं, उनको एक अच्छा रिबेट 7 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स का उन्होंने रिबेट दिया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो मिडल वर्कर हैं हमारे, उनको भी एक अच्छा रिबेट टैक्स में दिया गया है। जो पहले 10 लाख तक ही 30% की टैक्स लग जाती थी, अब उनको बढ़ा के 15 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जो हाइयर टैक्स रेट है वो सिर्फ 15 लाख के बाद ही लगेगा। इसके साथ कॉरपोरेट में भी एक अच्छा रिबेट दी गई है। कॉरपोरेट में क्या होता था कि 2 करोड़ के बाद एक सरचार्ज लगता था हमारी इनकम पे, और 5 करोड़ के बाद वो जाके तकरीबन 37% हो जाता था सरचार्ज, जिसको अब उन्होंने रिड्यूस करके मैक्सिमम 25% कर दिया है। तो कॉरपोरेट पे भी टैक्स का बर्डन कम किया गया है, ये देखते हुए कि आगे मंदी बहुत है। अभी मतलब कोरोना के बाद स्थिति वैसे अच्छी हुई है, लेकिन इतना उभर नहीं पा रहे हैं सब लोग, तो उसको देखते देखते अच्छा मतलब टैक्स में छूट दी गई है। और जैसे धीरज जी बता रहे थे कि मतलब टूरिस्ट बिजनेस को अच्छा इन्होंने प्रमोट किया है, तो इन्होंने 50 नए एयरपोर्ट का भी ऐलान किया है जो टूरिस्ट बिजनेस को बढ़ावा देगा। धन्यवाद। काफी लोग छोटे बिजनेसमैन जो हमारे होते हैं वो एमएसएमई के अंदर आज भी ना हैं, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एमएसएमई का, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एमएसएमई के अंदर गवर्नमेंट रन करती है। तो लोगों को भी जानना चाहिए कि एमएसएमई के अंदर हम कैसे गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी लोन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है एमएसएमई के अंदर, तो उनका फायदा उठाना चाहिए छोटे बिजनेसमैन को। और इस बजट में मेनली क्या हुआ है, जैसे कि हमें सबको पता है, जैसे हमारे हस्तशिल्पकार होते हैं और छोटे औजारों से काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा बजट है। उन लोगों के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि उनको कैसे मशीनरी से जोड़ा जाए, कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं भी गवर्नमेंट ने और चालू करने के लिए कहा है। और दूसरा क्या है कि अपना इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, जैसे 2014 में हमारी ये गवर्नमेंट आई थी तो इसमें ये था कि हम अपना हर एरिया में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं हो, तो उसके लिए इनका एक टारगेट था 157 हॉस्पिटल चालू करने का। वो भी ये धीरे 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 अब उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बाकी देखते हैं आगे इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं अपने।